यहाँ ये देखा है कि जो फैमिलीज हैं जो किसान खेती करते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो क्रॉप इंश्योरेंस करवाते हैं अपनी फसल का बीमा करवाते हैं वो बहुत ही कम है इसके मुकाबले में। और जब लोगों को फसल का नुकसान हो जाता है उसके बाद लोग सोचते हैं कि अब क्या करें, कहाँ किसके पास जाएँ। कई बार सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमें भी इसका फसल का नुकसान दिया जाए, तो फसल के नुकसान की भरपाई के लिए ये सही समय है। इसमें अगर किसान अपनी फसल का बीमा करवा लें तो जब यदि कोई भी उनको प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है, जैसे ओलावृष्टि होती है या बाढ़ आती है या भूस्खलन होता है या सूखा पड़ जाता है, तो उससे जो भी फसलों को नुकसान होगा वो किसानों की पूरी भरपाई होती है। इसमें धान और मक्की का बीमा इस सीज़न में किया जाएगा। इसमें जो प्रति कनाल प्रीमियम है वो 24 रुपये देना पड़ेगा किसान को, एक बीघे में 48 रुपये। और अगर फसल का पूरा नुकसान हो जाता है तो उसको एक बीघा के 2400 रुपये मिलेंगे, 4800 रुपये मिलेंगे, एक कनाल के 2400 और 4800 रुपये प्रति बीघा। तो अगर 48 रुपये दे के 4800 रुपये का उसका जो है बीमा हो जाता है तो उसमें किसान को बहुत ज़्यादा फायदा है। और उसको फिर किसी के पास गुहार लगाने की जरूरत नहीं है, कभी किसी सरकार के पास कभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ एक टोल फ्री नंबर है, हम इस वैन के माध्यम से लोगों को वो पंपलेट्स बांटेंगे, उसमें नंबर दे रखा है। जब भी किसान का कोई नुकसान हो तो उस नंबर पे कॉल करें, और नंबर पे कॉल करने के बाद उसका ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा और जो पैसे हैं बीमा के वो ऑटोमेटिकली किसान के खाते में आते हैं। तो उसको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता इसका, जो वापस क्लेम उसको लेने के लिए भी। लगभग 70,000 के करीब हमारे किसान भाई हैं, और उसमें यदि हम फसल बीमा का देखें तो 20,000 से कम लोग हैं जो कवर्ड हैं। और फसल बीमा में किसानों की कवरेज बढ़ाने की आवश्यकता है, उसी दृष्टि से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की जो पब्लिसिटी वैन है उसको आज यहाँ जिला से हम यहाँ से फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। और ये वैन जो है 21 तारीख से लेके 21 जून से लेके 15 जुलाई तक पूरे ज़िले के अलग अलग हिस्सों में जाएगी और किसानों को जागरूक करेगी कि इंश्योरेंस करवाने के क्या फ़ायदे हैं, उसके अलग अलग रेट्स हैं जिसकी जानकारी आपको हम ब्रोशर के माध्यम से भी लोगों को देंगे। और पिछले वर्षों का अगर हम डेटा देख रहे थे तो उसमें किसानों का जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम था जिसमें सरकार भी योगदान देती है अलग से, उससे कहीं ज़्यादा किसानों को मुआवजा मिला है। और चंबा ज़िला में कई तरह की जो मौसम की जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से किसानों की फसलों को नुकसान होता है, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है कि जो नुकसान है उसकी भरपाई की जा सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, और सभी किसान जो फसलें लगाते हैं जो इंश्योरेंस में कवर्ड हैं उन सभी को अपना अंशदान देना चाहिए ताकि उनकी इंश्योरेंस हो सके। और उस अंशदान में काफ़ी ज़्यादा शेयर जो है वो सरकार का होता है, और जो इंश्योरेंस की कवरेज है उससे किसानों को फ़ायदा होता है।